हेलो एवरीवन, और आज का वीडियो इस नोट के साथ स्टार्ट कर रही हूँ कि इस जो वीडियो में मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूँ और शायद आप उसे कनेक्ट कर पाएँ। तो सबसे पहले आज मैं ऐसे बैठी थी और स्क्रॉल करते करते, जैसे हम सब लोगों की आदत होती है कि जब हम फ्री टाइम पे मतलब थोड़ा सा हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, तो मैंने एक वीडियो मेरी आंखों के सामने आया और उस वीडियो ने मेरा मतलब कहते नहीं कि बहुत मुझे थोड़ा सा इमोशनली मतलब बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया। एक छोटी सी बच्ची का वीडियो था जिसको थर्ड स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ और उसके पास डॉक्टर ने सिर्फ 2 महीने। बच्ची के पास डांसिंग का शौक है और उसके पास पढ़ने में बहुत अच्छी है, सब कुछ है। तो मतलब वो जो चीज़ होती है उसे मतलब एक चीज़ निकल के आती है कि देखिए हमारी लाइफ कितनी कीमती है। मतलब ये सीखने के लिए मिलता है, जो हम सबसे ज़्यादा हम जिसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं वो हम लेते हैं लाइफ को, कि मतलब हम उसकी कुछ वैल्यू ही नहीं करते हैं, लेकिन लाइफ सबसे ज़्यादा कीमती है। हम लोग बहुत लंबी लंबी प्लानिंग्स करते हैं, मुझे लगता है प्लानिंग्स करनी चाहिए और उसको पूरा करने के लिए कोशिश डे बाई डे करते रहो, लेकिन उसको लेकर एकदम बोझा सर पे लेकर आप जो घूमते हैं और फिर आज हम इसको इन्जॉय नहीं करेंगे इस दिन को, क्योंकि मतलब हमारे दिमाग में तो हमारी आगे की प्लानिंग चल रही है। जब वो चीज़ हो जाएगी हम तभी खुश होंगे, तभी हम मतलब जीना शुरू करेंगे, तब ऐसा लगता है कि लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन क्या पता कल को वो चीज़ आप फुलफ़िल कर लें, उसके बाद भी आपको अच्छा ना लगे, आपको मज़ा ना आए, आपको ऐसा लगे कि नहीं यार ये तो मतलब कुछ था ही सब नॉर्मल था। तो इसलिए रोज़ अपने जीवन को हमें जीना चाहिए, फुल ऑफ लाइफ रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद मेरे मन में जो चीज़ आई, जो भावना आई कि मतलब ये लाइफ बहुत कीमती है जिसको हम वैल्यू नहीं कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जो कल की चिंता कर करके डिप्रेशन में जा चुके हैं, डिप्रेशन में जा चुके हैं। और डिप्रेशन एक ऐसा मेंटल स्टेज है जिसमें आपको फिर कुछ नहीं अच्छा लगता है, फिर आपको ना तो किसी से बात करने का मन करता है, ना तो आपको कुछ और करने का मन करता है। आप सिर्फ, मेरे ख्याल से तो एक जो दिन है वो गुजरता है, आप सांसें लेते हैं और नया दिन आता है, फिर आप सिर्फ सांस ले रहे हैं, उसमें आपका माइंड आपके साथ है नहीं, आप सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, तो बहुत ख़राब कंडीशन है। तो इससे आप अगर डिप्रेशन में ना जाएं, अपनी लाइफ को चिंता ना करें आगे के लिए, सिर्फ प्रेजेंट में रहें और प्रेजेंट को बहुत अच्छी तरह से अच्छा बनाएं और इन्जॉय करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल निभाएं, प्रेजेंट में रहें, हर एक चीज़ करें। पहला, अपने आप को टाइम दें थोड़ा सा, कि अपनी हॉबीज़ को, अपने आप को, अपने शौक को, आप क्या हैं, क्योंकि हर एक लाइफ में जो भी इंसान आया वो सिंगल सिंगल आया, उसको सिंगल ही जाना है, कोई डबल नहीं जाएगा, सब सिंगल ही आए, सिंगल ही जाने वाले। तो अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मतलब खुद को जो चीज़ें अच्छी लगती है उसके ऊपर कॉन्सन्ट्रेट करिए, वो चीज़ें ज़रूर करिए थोड़ा सा टाइम निकाल के, पहला। दूसरा, मतलब खुद को इम्पोर्टेंट यानी कि सेल्फ लव। दूसरा, प्रेजेंट में रहना है हमको, मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ऐसा बहुत बार होता है माइंड में आता है कि ये नहीं हुआ अभी, बहुत सारी प्लानिंग्स होती हैं, ये करना है कैसे होगा, पैसे मैनेज करने कैसे करेंगे, ये सब चीज़ करनी कैसे करेंगे कैसे, मतलब हम जितना प्लान करते हैं ऊपर वाले ने भी कुछ प्लान हमारे लिए करके रखा होता है, तो कोशिश ज़रूर करिए। और लेकिन उसकी भी प्लानिंग होती है ऊपर वाले की, तो कुछ प्लानिंग उसकी होती है, कुछ आपकी होती है, प्लानिंग करिए, लेकिन उसको एक बर्डन जैसे मत लेके घूमिए कि अगर ये नहीं हुआ फिर तो मतलब जीवन मेरा बेकार ही है, ऐसा नहीं है। तो प्रेजेंट में रहने की कोशिश करनी है। इसके बाद तीसरा, फैमिली आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब उसको क्वालिटी टाइम देना है। और उसके बाद फ्रेंड्स, उनके साथ भी एक अच्छा बॉन्ड बनाइए, अच्छे चुनिंदा दोस्तों के साथ चिल करिए और बिंदास खुल के अपने जीवन को जिए। ये नहीं कि आपके अंदर अंदर बहुत कुछ चल रहा है और आप बंधा बंधा सा महसूस कर रहे हैं और अपने विचारों को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, खुद को खुलकर अभिव्यक्त करिए, खुल के जिए, और जिनके साथ आप कंफर्टेबल हैं उनके साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करिए। तो लाइफ में एक चीज़ और, जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है बहुत सारे चीज़ों को कलेक्ट करके फिर बचा के रखते हैं, स्पेशली मैं कहती हूँ कि हमारी लेडीज़ की आदत होती है कि अगर एक अच्छी महंगी साड़ी तो ये एक उस दिन के लिए रखी है, अगर कुछ ज्वेलरी है तो ये तभी पहनेंगे, अगर ये है तो हमें मतलब अभी तो घर ही पर रहना, हम तो ऐसे ही रह लेंगे तो बाद में, तो घर पे भी अच्छे से रहिए, रेडी होकर रहिए, जितना अच्छे से आप रह सकते हैं अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करिए, आज में जो भी ज्वेलरी हैं, कपड़े हैं, सब चीज़ों को इस्तेमाल करना सीखिए, बचा बचा के, ऐसा नहीं है कि आप रख रहे हैं, वो चीज़ अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो लॉन्ग टाइम तक चलेगी, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो हमने बहुत प्यार से खरीदी होती हैं, तो हमारी वुमेंस की खास आदत होती है कि हम उन सब चीज़ों को सोचते हैं बहुत स्पेशल ओकेजन पर हम उसको यूज़ करेंगे, तो उन सब चीज़ों को बहुत बचा के रखने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको साथ साथ में इस्तेमाल करते रहिए। तो ये दोनों पे लागू होता है, मेन एंड वुमेंस, लेकिन वुमेंस की आदत ज़्यादा होती है, तो ये स्पेशल ओकेशन के लिए, तो उसको साथ साथ में यूज़ करते रहिए, मेरा कहने का सेंस है, अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करिए, उसको इंजॉय करिए, हम तब करेंगे नहीं अभी ही करेंगे उसको, ठीक है। फिर उसके साथ ही इतने सारी चीज़ों के साथ
सिर्फ कई बार होता है कि हम लोग नेगेटिव होते हैं, एक ह्यूमन नेचर है कि एक आप 24 घंटे नहीं रह सकते, आप 365 दिन पॉजिटिव नहीं रह सकते, लेकिन जब भी आपको ऐसा कुछ लगता है कि आप नेगेटिव हो रहे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ आप टच में रहिए कि जिनकी वाइब्रेशन बहुत हाई है, जिनके साथ आपको अच्छा फील होता है, और अपने आप पे खुद ही काम करके अपने आप को खुद ही मतलब पॉजिटिव करिए फिर से। तो यही एक लाइफ जीने का तरीका है। और ये अगर आप सोचें कि अगर आपके पास भी सिर्फ अगर कोई बता दिया जाएगा एक लिमिटेड समय, तो उसमें आप क्या क्या करना चाहते हैं, तो अपनी एक टू डू लिस्ट बनाइए, जो भी आपकी टू डू लिस्ट है, ईयरली टू डू लिस्ट बनाइए, और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग उसके अंदर आप क्या करना चाहते हैं, और एक पूरा अपना गोल बनाइए कि आप इस साल में आप क्या क्या करना चाहते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली सब चीज़ों को मैनेज करते हुए वो उनमें से कुछ चीज़ें करते चले जाइए। तो इससे आपको रियलाइज़ होगा कि आप जो है आपका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे से चल रहा है, यानी कि आप अपने फ्यूचर के लिए भी, मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल सोचना बंद कर दें कि कुछ चीज़ें करते चले जा रहे हैं, जो आप आज करें वही आपका फ्यूचर बनने वाला है, तो आप उसके लिए भी कुछ ना कुछ करते चले जा रहे हैं कि आपका फ्यूचर अच्छा हो, क्योंकि आप आज अच्छा कर रहे हैं तो फ्यूचर अपने आप ही अच्छा आपका हो जाएगा। और इसके साथ ही आप अपना जीवन भी जी रहे हैं, यानी आप खुद भी अलाइव महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ आपको पसंद है आप साथ साथ में वो भी करते जा रहे हैं। तो अपनी हॉबीज़ पे, अपने एम्स पे, अपने गोल्स पे काम करिए, प्रेजेंट पे रहिए और प्रेजेंटेबल रहिए, अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करना सीखिए, और यही सब छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करिए। तो ये जीवन बहुत कीमती है, इसको ऐसे ही बर्बाद नहीं करना है कि हम आए और चले गए और किसी को पता ही नहीं चला। कि एक, अगर मैं कहूँ कि अगर एक रंजना नाम की लड़की भी इस दुनिया में थी, या फिर आप अपना नाम लेके भी सोच सकते हैं, तो किसी को मतलब इतना तो पता होना ही चाहिए कि हाँ, आपके अगल बगल जानने वालों को कि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जो कि अपने जीवन को आपने मतलब एक अच्छी तरह से इंजॉय किया, अपने जीवन को मतलब जिया, खुलकर जिया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो मेरे ख्याल से हेल्थ वीडियो ही होने वाला है, उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आपको कुछ कुछ बताने वाली हूँ। तो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ, इसकी वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी लो हो सकती है, क्योंकि रिसेंटली आपको सुन के आश्चर्य हो गया, मुझे बताने में आश्चर्य हो रहा है कि जो मेरा एप्पल का फ़ोन है वो सर्विस सेंटर गया हुआ है, और जब वो वहाँ से आएगा उसके बाद ही फिर मैं उसके बारे में आपको बताऊँगी कि उसमें क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बाद में बताती हूँ। तब तक फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।